तेरह फीट जो वाल रहती है उसके ऊपर आप कोई भी प्रकार का पत्थर लगा सकते हैं। अभी ये पी वाइट ग्रेनाइट लगाया जा रहा है इसके ऊपर, जो कातरा कैसे कटिंग करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर जो बीच का जो टुकड़ा है इसका कातरा कैसे कटिंग करते हैं, यहाँ पे अभी कटिंग चालू है इसकी। बाकी इसके सभी की फिटिंग हो गई है। इसके ऊपर कोई भी प्रकार का मार्बल या सस्ते से सस्ता ग्रेनाइट भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर रेलिंग लगाएंगे तो इसीलिए इसके नीचे कोई भी प्रकार का पत्थर चलता है। और ये अभी यहाँ पे इसका मार्किंग करना चालू है। YouTube चैनल पे नहीं है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते हैं YouTube चैनल के ऊपर। इसका मेजरमेंट लेना चालू है। इसके ऊपर कोई भी मार्बल भी लगा सकते हैं, सस्ते से सस्ता या ग्रीन मार्बल या फिर जैसलमेर मार्बल आता है वो भी लगा सकते हैं। ये पूरी पैराफिट जो सामने की वॉल रहती है उसके ऊपर लगाया गया है। इसके अंदर जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर बीच में गुरु भी स्पेसर भी छोड़ सकते हैं 3 mm का या 2 mm का, जिसमें कोई भी प्रकार का सीमेंट भर सकते हैं। और दीवार से इसको आधा इंच बाहर निकाल के फिटिंग किया जा रहा है, और इसको केमिकल में फिटिंग किया जा रहा है। आधा इंच या फिर 1 inch या 2 सूत कितना भी निकाल सकते हैं दीवार से बाहर। जो बारिश का पानी रहता है वो पानी डायरेक्ट दीवार के ऊपर ना गिरे, वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा अगर इसको आधा 1 inch बाहर निकालते हैं अपन तो। और ये कातरे में पूरा फिटिंग किया देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में सेंटर में टुकड़ा आ गया है इसमें, तो ऐसा टुकड़ा भी ले सकते हैं सेंटर में, और यहाँ साइड में ना ले छोटा टुकड़ा रहा तो सेंटर में लेने की बजाय यहाँ बीच में ले सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग करके फिटिंग क्या है। इसका भी जॉइंट बनना बाकी है। अब इसका कातरा कैसे कटिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये इसका मार्किंग कर लिया है पहले हीरा करनी से। ये टुकड़ा यहाँ पर आएगा इसमें, या फिर इसको रेती माल में फिटिंग कर सकते हैं। अभी ये सामने सामने की पैराफिट वाल है, यहाँ पे फिटिंग किया जा रहा है। इसका टुकड़ा कैसे फिटिंग होता है ये थोड़ा सा सैंपल के तौर पे बताऊंगा आपको। ये यहाँ पे देख सकते हैं अभी कातरा एक साइड का कटिंग किया है, थोड़ा सा इसमें ब्लेड निकालना पड़ेगा एक दो, जब जाके ये थोड़ा सा फिटिंग आएगा बरोबर। और दीवार से दोनों साइड से भी सेम इसको 2-2 सूत या आधा आधा इंच बाहर निकाल सकते हैं। अभी दोनों साइड से इसको सेम निकाले हुए आधा आधा इंच। और यहाँ पे कोई भी वेस्टेज ग्रेनाइट भी लगा सकते हैं, जो घर के अंदर वेस्टेज ग्रेनाइट बसता है। इसकी जो बाकी वाल है इसके ऊपर भी अभी मार्बल लगाएंगे, पूरा जो सस्ते सस्ता मार्बल आता है वो लगेगा इसके ऊपर, जो बाकी वाल देख रहे हैं। और बाकी यहाँ पे ग्रेनाइट लग गया सामने सामने, इसके ऊपर रेलिंग आ जाएंगी, स्टील की जो रेलिंग रहती है वो आ जाएंगी, जो ये सामने देख सकते हैं अभी सामने वो घर के अंदर लगी हुई है, वैसी इसमें स्टील सी रेलिंग आ जाएंगी। ये देख सकते हैं ऐसी रेलिंग आ जाएंगी इसके ऊपर, यहाँ पर आ जाएंगी पूरी ये। अभी इसमें ब्लेड निकालेंगे देख सकते हैं सेट करने के लिए। YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर की वीडियो कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो। दोनों तरफ से जैसे अपन आधा आधा इंच निकाल रहे हैं बाहर, तो ऐसा एक टुकड़ा आधा इंच का बना लीजिए, और फिर इससे चेक कर सकते हैं दोनों भी साइड से सेम। और इसमें केमिकल और सीमेंट दोनों मिक्स करके फिटिंग कर रहे हैं, जो K2 कंपनी का केमिकल आता है वो इसमें मिक्स करते हैं। इसके पहले भी वीडियो हैं कुछ, वो चेक कर सकते हैं। अब ये मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर, अब इसकी ये पत्थर के हिसाब से मार्किंग कर लिए, ये देख सकते हैं ये पत्थर के हिसाब से इसकी मार्किंग हो गई। और फिर इसकी हीरा करनी से या पेंसिल से या पेन से मार्किंग करके और फिर कटिंग कर सकते हैं इसको। ये हो गई इसकी मार्किंग, और अभी करेंगे इसकी कटिंग मशीन से। हो गई इसकी कटिंग, और अभी एक बार और चेक करेंगे इसको। ये कर रहे हैं अभी इसको चेक, और बाद में इसको सीमेंट और केमिकल में फिटिंग कर देंगे। ये हो गया अभी इसका पूरा फिक्सिंग, और अभी इसको सीमेंट पानी में और या रेती माल में फिटिंग कर सकते हैं। अभी इसको प्योर सीमेंट और केमिकल में फिटिंग करेंगे।
ये हो गया परफेक्ट इसका जॉइंट मैच। ऐसी जगह आप कोई भी वेस्टेज ग्रेनाइट मार्बल भी फिटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसके अंदर पूरा सीईटी वेस्टेज करना, कोई भी वेस्टेज ग्रेनाइट फिटिंग कर सकते हैं मार्बल। अभी ये सीमेंट में इसमें को फिटिंग करेंगे। इसको लगाने से पहले जो दीवार रहती है अपनी उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल लीजिए, जिससे क्या होता है थोड़ा जल्दी सेट नहीं होता जो सीमेंट में फिटिंग करते हैं। तो दीवार अगर अपनी पुरानी है और सूखी है तो फिर डाल सकते हैं, लगाने से एक आधे घंटे पहले डाल लीजिए पानी। ये प्रकार से इसको फिर फैला ले जो अपनी थापी रहती है उससे, और फिर इसको फिटिंग करेंगे पत्थर को जो ग्रेनाइट है अपनी। वो ऐसे लेवल वाटली से चेक कर सकते हैं इसको लेवल में। YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा आपको और इसका जो फिटिंग का प्रोसेस है वो कैसी लग रही है आपको, इसके बारे में बता सकते हैं। किस चीज़ में आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो चीज़ भी बताइए, सीमेंट में सही रहता है या फिर रेती माल में फिटिंग करते हैं तो वो सही रहता है, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सामने की जो अपनी कंपाउंड वॉल रहती है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं आप ये, और ऐसा ग्रेनाइट अपन नॉर्मल से नॉर्मल इसका 60 रुपये प्राइस रहता है, जो राजस्थान के अंदर कोई भी ग्रेनाइट की टाइल की दुकान पे मिल जाएगा आपको ये। और फिर इसको हाथों हाथ ऐसे साफ कर लेंगे तो इसकी जो भी सीमेंट के दाग या फिर एरोडाइट के जो दाग रहते हैं वो हाथों हाथ साफ कर लेते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, बाद में थोड़ा टाइम लगता है इसको साफ करने में। ये हो गया इसका फिटिंग, अभी साइड के फिटिंग हो जाएंगे सेम ऐसी। इसके जो जॉइंट रहते हैं जॉइंट के ऊपर फेविक्विक लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है जो अपन सीमेंट में या फिर केमिकल में ये पत्थर लगाते हैं तो वो दूसरा जो पत्थर लगाते हैं वो टाइम में ये हिलने का चांस रहता है, तो फिर इसके ऊपर फेविक्विक डाल सकते हैं जिससे ये हिलता नहीं बिल्कुल, वो जगह की जगह पर सेट हो जाता है। अभी यहाँ पे जॉइंट पे देख सकते हैं ये फेविक्विक डाले हुआ है, यहाँ पर ये फेविक्विक है जिससे क्या है ये हिलता नहीं बिल्कुल भी पत्थर, बाजू वाला जो पत्थर रहता है वो हिलता नहीं बिल्कुल भी। और नीचे से इसको एरोडाइट लगाया हुआ है, एरोडाइट और जो मार्बल का दाना रहता है वो इसको लगाया हुआ है, जिससे इसकी थोड़ी सी पकड़ रहती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको सैंपल के तौर पे इसको एरोडाइट कैसे लगाते हैं, उसके भी ऊपर आई बटन में लिंक है तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से इसको एरोडाइट लगाते हैं। ये प्रकार से इसको मार्बल का दाना लगाया जाता है, ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये वेस्टेज जो ग्रेनाइट निकलता है अपना कातरे का वो बता रहा हूँ मैं आपको, ये पीछे से देख सकते हैं इसको मार्बल का दाना लगाया हुआ है। इसका फुल प्रोसेस का वीडियो है वो चेक कर सकते हैं आप, आई बटन में लिंक है ऊपर तो वहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इसको वो मार्बल का दाना लगाते हैं, और दोनों साइड से इसको धार पॉलिश किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं धार पॉलिश किया हुआ है इसको पूरा, फुल राउंड मोल्डिंग भी कर सकते हैं या फिर धार पॉलिश भी कर सकते हैं इस प्रकार से आप। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, नहीं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, धन्यवाद आप सभी का।